वेलकम टू माय चैनल एम कारपेंटर 02 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक एंगल ग्राइंडर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बॉश कंपनी का। तो दोस्तों इस एंगल ग्राइंडर में कंपनी ने बहुत सारे नए फीचर्स दिए हैं, तो सब कुछ डिटेल में बताते हैं आगे चल के वीडियो में। तो तमाम उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो जो एंगल ग्राइंडर यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन इसको अपने घर पर मंगवाना चाहते हो इसका लिंक दे दूंगा आप। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा टूल है, मैंने जैसे ही ऑनलाइन ये देखा इसके फीचर्स पढ़े देखे तो मैंने जस्ट उसी वक्त इसका ऑर्डर कर लिया जो मेरे पास भी पहुंच चुका है। तो मैं इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इस चैनल पर मैं वोट अपने कारपेंटर बनने के लिए वोट बर्निंग से रिलेटेड शार्ट पर टिप्स और इजी ट्रिक्स हमेशा लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये मैंने इसका बाहर से जो इसमें लगा था वो मैंने हटा लिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मॉडल नेम है यहाँ पे और पार्ट नंबर वगैरह कम्युनिटी डिस्क डाया इसका 100 mm वोल्टेज 230 वोल्टेज लेता है, इंपोर्ट पावर 800 वाट यानी कि 800 वाट का, नो लोड स्पीड 11000 RPM और यानी कि 2023 में ये बना है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, इंटरेस्टेड वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए देखिए इसमें ये जो पार्सल आया था मेरा इसमें कितनी अच्छे से पैकिंग की है ये, ताकि ये रास्ते में कहीं टूल अगर इधर उधर कहीं लगे तो ये टूटे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है ये एक लिफाफा, इसमें हम खोल के देखते हैं कि हमें इसके साथ क्या क्या मिला है। तो टोटल एंगल ग्राइंडर के साथ जो हमें मिला है वो सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे एक ये की निकली हुई है जिससे हम अपनी डिस्क को टाइट या खोल सकते हैं, और ये एक हैंडल दिया हुआ है इसके साथ, और ये दो यहाँ पे डिस्क दी गई हैं जिसपे हमारे ब्लेड्स वगैरह टाइट होते हैं। तो दूसरा लिफाफा हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो इसमें हमें ये सेफ्टी गार्ड मिलता है जो ब्लेड के ऊपर से लगता है, यानी कि कंग्लोमेरेट मशीन से जब हम काम करते हैं तो ये डस्ट वगैरह ये रोक लेता है। तो तीसरे लिफाफे में हमें क्या मिलता है देखते हैं कि कंपनी ने हमें इसमें क्या क्या साथ दिया है। ये देख पा रहे होंगे तीन डिस्क दी हैं, दो इसमें कटिंग व्हील है और एक ग्राइंडिंग व्हील है, और तीनों डिस्क पे बॉश कंपनी का ब्रांडिंग करके रखी है, यानी कि एक ग्राइंडिंग व्हील है और दो कटिंग व्हील इसके साथ हमें मिली है। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या मिला हमें, एक ये वारंटी कार्ड है और एक ये यूज़र मैनुअल बुक दिया गया है। इसको आप पढ़ के इस एंगल ग्राइंडर के पार्ट्स के बारे में जान सकते हो। इसमें हिंदी में भी दिया गया है और दूसरी तरफ इंग्लिश में दिया गया है, यानी कि इजी लैंग्वेज में भी इसको दिया गया है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता वो हिंदी में पढ़ सकता है। तो चलिए अब मेन पार्ट को निकालते हैं बाहर एंगल ग्राइंडर को। तो देखिए यहाँ हमने ओपन कर लिया है अपना एंगल ग्राइंडर, छोटा सा एंगल ग्राइंडर, बॉश यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल GWS 800, यानी कि आपने अगर सर्च करना है तो GWS 800 बॉश एंगल ग्राइंडर के नाम से आपने कहीं भी सर्च करना है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, इसको प्रेस जब हम करेंगे तो ये बिल्कुल आगे लॉक हो जाएगा, फिर हम इस पर अपनी डिस्क इजीली टाइट या खोल सकते हैं। तो हाथ में पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, कंफर्टेबल, यानी कि दूसरे एंगल ग्राइंडर जो होते हैं वो जब हम हाथ में लेते हैं तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा हाथ में लिया हुआ है, लेकिन इसको कंपनी ने एक इतना अच्छा बनाया है कि हाथ में बिल्कुल पूरा आता है और बहुत ही हैवी ड्यूटी है, मतलब प्रोफेशनल काम के लिए ये आता है जितना इससे काम करो आप। तो इसकी वायर की बात करें लीड की तो कॉपर वायर में दिया हुआ है और 2 मीटर के आसपास इसमें ये लीड हमें देखने को मिली है। तो एक हैंडल आता है इसमें लगाने के लिए, ऐसे कुछ दो हाथ से काम करने के लिए, दोनों हाथों से चलाने के लिए। तो हैंडल निकाल के ये दूसरी साइड भी आप लगा सकते हो, दोनों साइड ये टाइट को हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप इसमें यहाँ पे लगा है वो टाइट और लूज करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्क लगाते हैं हम इसमें कुछ इस तरह से, इसके ऊपर ये ब्लेड हमें इस तरह से लगाना होता है और यहाँ से ये ऊपर वाली डिस्क लगा के नट बोल्ट टाइप जो होती है इसको हम इस की मदद से इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये दूसरी वाली जो ये मोटी वाली व्हील हमें मिली है ग्राइंडिंग व्हील, इसको भी हम एडजस्ट करके दिखाते हैं आप दोस्तों। इसको एडजस्ट करने का एक और तरीका है, ये जो टाइट करने के लिए ऊपर से दी होती है ये आपने उल्टी साइड डालनी होती है, क्योंकि ये डिस्क जो है ये मोटी ज़्यादा रहती है तो ये ऐसे ये अच्छे से पकड़ में आती है। तो बॉश प्रोफेशनल GWS 800। तो दोस्तों इसमें एक मेन फीचर मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये जो लॉक दिया है स्विच ऑफ ऑन का। कई बार क्या होता है कि एंगल ग्राइंडरों के खास तौर पर यहाँ पे स्विच होते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जब भी हम काम करते हैं इसमें डस्ट वगैरह उड़ के इस स्विच में यहाँ पे भर जाती है, फिर हमारा स्विच जो है फंस जाता है, आगे पीछे नहीं होता, इसकी वजह से हमारा स्विच ख़राब होता है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसमें स्विच जो है ऑन ऑफ का पीछे बैक में दिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा हैवी ड्यूटी है ये दोस्तों,
इस चलते हैं अब वर्किंग स्टेशन पे और आपको दिखाते हैं इससे थोड़ा काम करके। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस पे ग्राइंडिंग की है, ये देख पा रहे होंगे आप दोस्तों मोटी व्हील जब ग्राइंडर मशीन में लगाता है बंदा तो ये एंगल ग्राइंडर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एक इस पे कटिंग व्हील लगा के एक लोहे का पीस में आपको काट करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपने एंगल ग्राइंडर खरीदना ही है, आपने सोचा है कि एंगल ग्राइंडर खरीदना है, तो ये वाला एंगल ग्राइंडर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि ये वाला एंगल ग्राइंडर आप सब लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो एक आखिर तो तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर किए भी जाइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो का लिंक स्क्रीन पर लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कारपेंटर भाइयों के लिए, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो। नीचे प्लेलिस्ट लगी होगी, इस पर मेरी बाकी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।